इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडियन आइडल के ऑडिशंस आपके कहाँ पर हो सकते हैं, और लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि भाई हाँ इधर ऑडिशन होंगे या फिर नहीं होंगे। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, आप बोल रहे थे कि भाई हमें बता दो, हमारे पुराना रिकॉर्ड से ही हमें बता दो कि कहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल आया नहीं है, बट फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं, आप पूछते हैं कि कहाँ पर होंगे, देहरादून में कहाँ पर होंगे, उत्तराखंड में कहाँ पर होंगे, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपके थे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से प्लेसेस पे हुए थे। अभी जैसा कि आपको पता है सीज़न 12 यानी कि इंडियन आइडल सीज़न 12 ऑनलाइन हुआ था, सीज़न 11 और सीज़न 10 इसके बारे में जानेंगे कि इंडियन आइडल सीज़न 11 और सीज़न 10 कहां पर हुए थे और कितने परसेंट चांस हैं कि इस बार भी वहीं पर होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर की कि जयपुर में कहां हुए थे, तो आप इधर देख सकते हैं। अगर मैं सीज़न 11 की बात करूं तो महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर 7 मध्यम मार्ग मानेश्वर सेक्टर 7 सिप्रापात ब्रहा देवरिया शाम सरोवर जयपुर राजस्थान और जो पिन कोड है 302020। तो गाइस पिन कोड ज़्यादा ध्यान से सुनिए 302020। अब हम बात करेंगे कि जो सीज़न 10 के हुए थे वो जयपुर में कहाँ हुए थे, वो है गाइस अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस कॉलेज सेक्टर 5 वीटी रोड मानेश्वर मानसरोवर जयपुर राजस्थान और पिन कोड आप देख सकते हैं 302020। यानी कि सेम ही प्लेसेस है क्योंकि पिन कोड सेम है, बस जो लैंडमार्क है वो मे भी हो सकता है थोड़ा आगे पीछे, लेकिन ऑलमोस्ट आप इधर देख सकते हैं सेम है। जो जयपुर में रहते हैं उनको आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली कौन सी जगह है ये। आगे बात करते हैं भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर के अंदर जो ऑडिशंस हुए थे सीजन 11 के, डॉन इंटरनेशनल स्कूल नियर एम्स सिजुआ भुवनेश्वर उड़ीसा और पिन कोड है 751019। ये है सीजन 11। अब बात करते हैं सीजन 10 की, तो सीजन 10 में हुआ था गाइज कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कैंपस 10 KISS पतिया भुवनेश्वर और जो पिन कोड है आप इधर साफ साफ देख सकते हैं 751024 और जो सीजन 11 का जो पिन कोड था वो आप इधर देखिए 751019। यानी कि दोनों प्लेसेस बहुत ही नज़दीक हैं पिन कोड से, हमें समझ में आता है। बाकी जो लोग भुवनेश्वर के आसपास रहते हैं उनको पता चल गया हो बेसिकली कहां पर आपके ऑडिशंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में भी आप देख सकते हैं नेरिम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पद्मनाथ शर्मा भवन त्रिपुरा RD जयानागर खानापारा गुवाहाटी असम और जो पिन कोड है 781022। अब हम बात करते हैं जो सीजन 10 था उधर आप देहरादून का देख सकते हैं, कोई यूनिवर्सल एकेडमी में हुआ था, लैंड नंबर C22 ट्रन रोड क्लेमेंट टाउन देहरादून और जिसका पिन कोड है उत्तराखंड 248001। तो ये इसका पिन कोड है, ये थोड़ा सा दूर हम कह सकते हैं। आगे बात करते हैं गाइस छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ का आप देख सकते हैं फैन ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर 54 फेज 2 मोहाली छत्तीसगढ़ और पिन कोड है 160055। अब हम बात करते हैं जो सीजन 10 के हुए थे वो भी आप देख लीजिए, गुरुकुल ग्लोबल स्कूल एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन मिनी माजरा नियर IT पार्क चंडीगढ़ पिन कोड है 160101, जो कि ये लोकेशन भी थोड़ी सी दूर रहती है। कुछ और प्लेसेस हैं जैसे कोलकाता लखनऊ इंदौर, तो मैं इंदौर के आपको बता देता हूँ, बाकी कोलकाता लखनऊ के मुझे भी नहीं पता। इंदौर की अगर हम बात करें तो आदर्श शिशु विहार हायर सेकेंडरी स्कूल 1398/1 बकोली हास्पी रोड शक्ति नगर इंदौर मध्य प्रदेश और जो पिन कोड है 452016। अगर हम बात करें सीजन 10 की, स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल अपोजिट बिलवाली टैंक खांडवा रोड लिम्बोदी इंदौर और पिन कोड है 452017। अब देखो इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंट है, इधर है 452016 और इधर है 452017, तो हम कह सकते हैं ये प्लेसेस दोनों पास में ही हैं। वहीं गाइस दिल्ली और नागपुर में भी हुए थे बट इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलो तो मैं बता दूंगा। अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई में भी गाइस नेहर इंटरनेशनल स्कूल छंदीवाली अंधेरी स्ट्रीट छंदीवाली अंधेरी ईस्ट में हुए थे सीजन 11 के, और सीजन 10 की बात करें मुंबई के अंदर तो ST आर्नोल्ड हायर स्कूल जूनियर कॉलेज महाकाली केव रोड अंधेरी मुंबई और इस जगह पर आपके मुंबई के अंदर ऑडिशन हुए थे। वैसे तो और भी बहुत सारे प्लेसेस थे जहां पर ऑडिशन हुए थे बट मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, तो मैंने मुझे लगा कि बताना भी नहीं चाहिए। पर अब हम बात करते हैं कि भाई वो कौन सी बात थी जिससे आप ये कंफर्मेशन कर सकते हैं। देखो ऐसा होता है जितने भी ऑडिशन प्लेसेस होते हैं, जब कोई इंडियन आइडल या फिर कोई भी रियलिटी शो जब उन प्लेसेस को सिलेक्ट करता है तो 10-15 दिन पहले या फिर
कम से कम 15 दिन पहले ही अनाउंसमेंट कर आता है, उनको बताया जाता है कि भाई उनको बताया जाता है कि भाई हमारा जो इस तारीख को ऑडिशन होने वाले हैं तो इस टाइम हम इसको बुकिंग पे रखना चाहते हैं। तो जो मैंने प्लेसेस बताए इन प्लेसेस पर जाकर आप पता कर सकते हैं क्या कोई ऐसी बुकिंग है इंडियन आइडल को लेकर। इससे क्या रहेगा, अगर वो हाँ करते हैं, बेसिकली वो हाँ करेंगे, उनको जा भी क्या रहा है, क्यों नहीं हाँ करेंगे वो, तो अगर वो हाँ करते तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी। वहीं आप पेशेंस के साथ थोड़ा सबर कीजिए, मैं आपको सभी अपडेट दूंगा, वो भी सबसे पहले इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे सिंगर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप वीडियोज़ डाल सकते हैं, अपना रिव्यू करा सकते हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं आपको वीडियो के नीचे डाल दूंगा। तो इस तरह से मैं और भी अपडेट लाता रहूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।